इट्स सच अ फैंटास्टिक सोल्यूशन. वो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है, वो लोकलाइज्ड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है. बाहर के लोग तो सोचेंगे भी नहीं, जानेंगे भी नहीं इसके बारे में. जानेंगे भी नहीं जी. मेरे वहां बारिश होता है जी. कभी मैंने ब्रिटिश पीरियड की गैजेट पढ़ रहा था, मेरे नयागढ़ के, वो हमारे बारे में मैंने सागर के बारे में उल्लेख किया. उस नयागढ़ जिले की ब्रिटिश पीरियड में गैजेट में दो विषय लिखा है, बारिश के समय में पानी को कैसे मैनेज करना और फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना, दोनों के बारे में नयागढ़ की प्रैक्टिस को ब्रिटिश पीरियड में कोलकाता प्रोविंस में, बंगाल प्रोविंस में कोडिफाई किया गया है. ओके, ये 150 साल पहले की प्रैक्टिस था. इसलिए लोकलाइज चीजों को, लोकल चीजों को, लोकल मॉडल को अभी कोणार्क बना है. कोणार्क के आसपास में गांव में मैं कभी गया था. उस गांव में एक तालाब है, तालाब है, आप समझेंगे तालाब, पोखरी या कहते हैं. नहीं नहीं, तालाब समझती हूँ. उस तालाब के साइज थोड़ा विचित्र था, वो थोड़ा लंबा था और उसको तालाब नहीं कहते हैं लोग वहां, वो कहते हैं कि ये पत्थर बुहा नोई, इसे स्टोन कैरिंग रिवर. ओके, कोणार्क से 150 किलोमीटर दूर पत्थर की इलाका है. पत्थर को तोड़ के कोणार्क तक वहां पहुंचाए कैसे होंगे. Okay. एक समय में कैनाल सिस्टम खड़ा करके वहां तक पहुंचा था. अभी भी कुछ गांव में कोणार्क के आसपास उस रिवर स्ट्रीम का एविडेंस है. सोसाइटी तो साइंटिफिक था, सोसाइटी लोकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था, मॉन्यूमेंट खड़ा किया था, जो आज भी हमको आश्चर्य लगता है. सन की पहला रे कोणार्क आता है. Absolutely. ऐसे तो कोई ऐसे ही तो नहीं कर दिए होंगे ना, कुछ तो कैलकुलेशन किया yeah. होगा ना, कुछ तो नॉलेज. यहां पठानी सामंत करके एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस इलाका में, वो एस्ट्रोफिजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉट थे. उन्होंने दुनिया को देखने के लिए लोकल लैंग्वेज में कोडिफाई किया. भारत में हर एक इलाका में ऐसे आइडियाज है. ये सारा चीजों को अभी पुनः जीवित करने की आवश्यकता है और आज के समय में उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा. जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं.